पौरी अनुभाग में इन दिनों शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। शहर में जगह जगह लाभ जल गए हैं, जिनके सारे लोग बैठते नजर आए हैं। बता दें कि सुबह 9 बजे तक न्यूनतम 6 डिग्री तापमान रहा है, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ गई है। ऐसे में शासकीय एवं निजी विद्यालयों की छुट्टी कर दी है। वहीं डॉक्टरों का भी कहना है कि बढ़ती ठंड में बच्चे बुजुर्गो की देखभाल करें, सुबह की सैर करने ना निकले। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अनुभाग में शीतलहर का प्रकोप जारी है और अधिकारियों के भी निर्देश जारी हो गए हैं। अब कैसे क्या बचाव हो सकते हैं और कैसे क्या कुछ हो सकता है? अभी जो मौसम चल रहा है, बड़ा ख़राब मौसम चल रहा है ठंड का। प्रदेश कई प्रदेशों में बर्फबारी हो रही है, जिससे सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। इससे बचाव के लिए लोग घरों में ही मतलब अपने रहें, गर्म कपड़े पहने और अपना जो वाहन है दुपहिया वाहन उसका उपयोग ना करें लंबी दूरी का। और आगामी दिनों में भी शीतलहर बढ़ने की उम्मीद है। 12-3 डिग्री के लगभग रहने का अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों का। इस वजह से बहुत सावधानी रखें, बच्चों को छोटे बच्चों की भी सावधानी रखें। अनुभाग में लगातार शीतलहर बढ़ गई है और जगह जगह लाभ का सहारा लेके लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ आपकी राय है? नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिशंकर ठाकर पौरी से। आज पौरी में विशेष ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है और इसको देखते हुए माननीय कलेक्टर साहब ने स्कूलों की छुट्टी तो कर दी है। और मैं सभी बुजुर्ग और बच्चों से यह सलाह देना चाहता हूं कि कम वे अपने घर से कुछ समय के लिए ना निकलें, क्योंकि 12 बजे तक तो ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इससे जो है बच्चे बीमार हो सकते हैं, बुजुर्गों को भी परेशानी आ सकती है। तो मेरा कहना है कि पौरी में बहुत ज़्यादा शीतलहर है, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों से ना निकलें। और पौरी में अलाव जलाने के लिए लोगों व्यवस्था भी कर दी गई है, जगह जगह अलाव जल रहे हैं, जिससे लोग जो निकलते हैं युवा लोग वो अलावों का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसा मतलब जो है शीतलहर बहुत ज़्यादा है।